ये पूरा मामला एसआई की टीम एसआईटी की टीम पहुंची जोधपुर। एसआईटी इंचार्ज बीजू जॉर्ज जोसेफ के साथ टीम जोधपुर में इस वक्त है। जालौर गेट और आसपास के इलाकों में टीम ने देखे हालात। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पूरे मामले पर जांच पड़ताल जारी है। जालौर गेट सर्किल पर झंडा लगाने का पूरा मामला। एसआईटी की टीम इस वक्त जोधपुर पहुंच चुकी है और एसआईटी इंचार्ज बीजू जॉर्ज जोसेफ के साथ टीम जोधपुर में जालौर गेट और आसपास के इलाकों का सर्वे कर रही है, हालात देख रही है, स्थितियों को परख रही है। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, सच्चाई का पता लगाने में जुटी है। बड़ी खबर जोधपुर से इस वक्त यह है, जहां पर जालौरी गेट सर्किल पर झंडा लगाने का मामला। एसआईटी की टीम पहुंची जोधपुर। एसआईटी इंचार्ज बीजू जॉर्ज जोसेफ के साथ टीम जोधपुर में इस वक्त मौजूद है। भवानी भाटी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। भवानी, पूरी जानकारी क्या है अभी? देखिए, जो जालौरी के सर्किल पर झंडा लगाने को लेकर विवाद हुआ था और उसके बाद अगले दिन जिस तरह का विवाद सामने आया था, उसके बाद से ही लगातार जो है जोधपुर शहर के कमिश्नरेट के 10 थाना क्षेत्र है वहां पर कर्फ्यू लगाया गया था। इंटरनेट सेवा को जो है बंद किया गया था और पूरे मामले को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गंभीरता से लिया था। पूरे मामले की जो जांच है वो एसआईटी टीम का गठन करके दी गई थी। इस मामले को लेकर के एसआईटी टीम के इंचार्ज जो है बिजू जोसेफ वो आज जोधपुर पहुंचे हैं और अभी जो है जालौरी गेट जहां पर ये घटनाक्रम हुआ था वहां पर मौका मुआयना किया। उसके साथ ही जो पुलिस की ओर से एफआईआर दर्ज की गई थी, साथ ही जो पीड़ित पक्ष है उनकी ओर से अलग अलग एफआईआर दी गई थी, उन एफआईआर का निरीक्षण किया गया था, उसकी जांच की गई थी, उस एफआईआर को देखा गया और फिलहाल जो है कह सकते हैं कि एसआईटी ने पूरे मामले को लेकर के जांच शुरू कर दी है। हालांकि इस संबंध में जो एसआईटी के इंचार्ज है विजू जोर्जोस वो यहाँ पर जो कमिश्नर है पुलिस कमिश्नर उनसे भी मुलाकात की है और पूरे घटनाक्रम को लेकर के जानकारी ली। कह सकते हैं कि पूरे मामले को लेकर के एसआईटी ने अभी से है आज से ही जो है पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। जी बिल्कुल, धन्यवाद इस पर तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर है, फिलहाल जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है टीम की तरफ से।